गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज है, सब तो पहले एक गल नोट करो, जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है अपना माइंड रिफ्रेश करो। दूसरे नंबर पर अपने जिन्हें भी फॉर्मूले मैथ के पहले किए हुए सारे साइड रख दो, क्यों? क्योंकि 8.3 जी चीज़ करनी है, दैट इज न्यू वन, वो नवी चीज़ है। उन्होंने करने वास्ते तुम कई चीज़ें इधर नहीं याद रखनी पड़ेंगी, जो क्रैमिंग भी होगी तो फॉर्मूले अगर पिछले भी करने पड़ेंगे। सब तो पहले काम माइंड होकर फॉर्मूले चंगी तरह याद करो, उन्होंने लिख के देखो, उन्होंने अदला बदली करो। मैं सारा दसागा तुम किस तरीके करना, ध्यान देखो। फिर सब तो पहले आप जो चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। मैं तुम्हें तीनों चीज़ा दसिया हूँ, तीनों के बेस से आप फॉर्मूले बनाने हैं। सब तो पहले देखो जो मैं फॉर्मूले बनावगा, पहले नंबर पर टैन थीटा जोड़ा है वह कहते इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सेकेंड वन इज कॉट, जो कॉट है वह टैन का उल्ट होंगे, मीनस वन ओवर टैन, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। देखो जे यदा उल्ट होया, टैन थीटा का उल्ट मीनस कॉस उपर जाएगा साइन नीचे आएगा, सिंपल। थर्ड वन कोसीकेंट, कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मीन्स साइन थीटा का उल्ट होंगे। फोर्थ सीकेंट थीटा वन ओवर कॉस थीटा। जो तुम यह फॉर्मूले कर लिए, यह सिंपल फॉर्मूले अगे आप अपलाई करने हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट ए उल्ट है कि बन जाएगा कॉस ओवर साइन, कोसीकेंट ए उल्ट है साइन का, सीकेंट के उल्ट है कॉस का। ठीक, एक फॉर्मूले हो गए, इन्हों लर्न करना याद करना अगे जाके काम आएंगे। उस तो बाद जो नैक्सट है वो देखो कि वो जो फॉर्मूले है अगे जाके सू बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, ध्यान देखते हैं। सब तो पहला फॉर्मूला जो मेजर फॉर्मूला, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, पिछले में लिख लेना। सेकेंड सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, दिस वन। थर्ड कोसीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन। जो मेरे को आ गया सारा, हूँ तुम मेन यही फॉर्मे याद रखने हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन, कोसीकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन। जो ये सारे फॉर्मूले याद हो गए, फिर एक छोटी चीज इन्हों अगे पिछे करना भी कर ही सकते हो, की करेंगे साइन स्केयर थीटा इन्होंने सब फॉर्मूले, सब का मतलब इन्हों तो बनने वाले, साइन स्केयर थीटा के इक्वल होगा कॉस स्केयर थीटा इधर जाएगा, ठीक, तो की बन जाएगा वन माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक, उस तो बाद जे मैं ये अगे फॉर्मूला बनाना चाहूँ, देखो साइन थीटा एस स्केयर उधर जाके बनेगा वन माइनस कॉस स्केयर थीटा का अंडर रूट। ठीक, यह दूसरा सब फॉर्मूला, जे मान लो मैं कॉस स्केयर थीटा उधर लै गया, जे मैं इन छड़ के इन उधर लैके जावा तो की बनेगा कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर थीटा, तो जे मान लो मैं स्केयर उधर लै जा तो की बनेगा कॉस थीटा रह जाएगा, स्केयर उधर जाके बन जाएगा वन माइनस साइन स्केयर थीटा अंडर द रूट।
सिर्फ एक फॉर्मूले तो मैं फॉर्मूले बनाए क्यों बनाए इन्हों का रीजन है वो अपने आप तुम 8.3 के पहले क्वेश्चन या दूसरे या तीसरे क्वेश्चन पकड़ा देगा। नेक्स्ट देखो सीकेंट स्क्वेयर थीटा, जो मान लो मैं सीकेंट स्क्वेयर थीटा इसका सब फार्मूला सीकेंट स्क्वेयर थीटा पता करना तो टेन उधर जाके बनेगा 1 + tan² θ। जो मान लो मैं तो सीकेंट थीटा पता करना सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एस स्क्वेयर उधर जाके बनेगा 1 + tan²θ। सेकंड जे मान लो मैं टेन पता करना हूं देखो स्टूडेंट्स इतने गलती करते हैं यह माइनस टेन है मैं टेन चाहिए तो माइनस टेन उधर ले जाओ वन इधर ले आओ तो माइनस टेन उधर जाके बन जाएगा प्लस का जो उधर चल गया तो यह वन इधर आ जाएगा की बन जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा तो वन इधर आके बनेगा माइनस का माइनस वन तो टेन थीटा की आ जाएगा स्क्वेयर उधर जाके बन गया अंडर रूट पूरे का बनेगा नाले सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन एज ये आगे मेरे को और नेक्स्ट वन कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा के लिए इक्वल होगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot² θ। तो जे मैं जो की कहना चाहूंगा कोसिकेंट वही सब फॉर्मूला मैंने दे दते तीसरे का कोसिकेंट थीटा के लिए इक्वल होगा दैट इज स्क्वेयर उधर जाके बन जाएगा अंडर रूट 1 + cot² θ। सेकंड जे मैं कॉट स्क्वेयर थीटा लगना है माइनस उधर जाके बनेगा प्लस था पहले जिधर टेन च बनया सीगा कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस था बन गया उधर जाके ए वन इधर आके बनेगा माइनस था इधर मतलब की बन गया कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन ते मैं तो कॉट थीटा भी कर सकता जिधर हर सवाल के लिए कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वेयर उधर जाके करेगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन अंडर द रूट। बच्चा देखो हूं मैं जिहड़े फॉर्मूले पहले दसे है साइन कॉस टेन मैं टेन का दसा कि साइन ओवर कॉस होता कॉट का नहीं दसिया तुम पिछों देख सकते हो यह मेन फॉर्मूले तीन जिहड़े है बच्चों इन्हां तो डर लगता जे तुहानूं यह चीज बनाना आ गई पिछले फॉर्मूले याद कर लो उन्हां नूं एक पेज ते लिखो फिर मेरी अगे वीडियो कंटिन्यू करनी है जो तुम यह लिख लोगे मैं नाली वीडियो के कंटिन्यू बना देना तुम पहले फॉर्मूले कॉपी पर लिखने हैं उस तो बाद तुम देखना कि जो सर दस रहे हैं वो की दस रहे हैं कि ये मैच करता है कि नहीं करता कि यह सवाल समझ आया कि नहीं आया इस तरीके आप करने हैं स्टूडेंट्स ध्यान रहो पहले नोट करने हैं तो यह नोट करो देख लो एक बार स्टूडेंट्स जरा 8.3 का फर्स्ट सम है 8.3 का फर्स्ट सम है साइन ए सीकेंट ए टेन ए इन द फॉर्म ऑफ के लिखना कॉट ए कहता साइन ए सीकेंट ए नू टेन ए नू कॉट की फॉर्म च लिखो तो हूँ जे मैं तुम्हें पिछले फॉर्मूले सारे देखिए तो सब तो पहले की सीगा ध्यान देखो आराम का सवाल निकलेगा सब तो पहले कोसीकेंट ਕਿਹਦਾ ਉਲਟ ਸੀਗਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਏ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਓਵਰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਏ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਨੋ ਲਿਖ ਲਗਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਐ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 1 + cot² θ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ ਮੀਨਸ 1 + cot² θ ते ध्यान ना देखो जिथे कोसीकेंट है ओदी जगह ते मैं फिर कर दंगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए कॉट दे रूट है इदा मतलब मेरे को की आ गया 1 / cot² a अंडर द रूट कुछ नहीं कीता
सिर्फ ते सिर्फ मैं कोसीकेंट की जगह पर यह फॉर्म फिल की है। नंबर वन पहला मेरा आंसर निकल गया। दूसरा सीकेंट ए, सीकेंट ए हूँ सीकेंट ए मैं हजे ही करा कि सीकेंट वन कॉस डबल्ड होंगे पर मैं कॉस वाल जाने नहीं। मैं करा सब तो पहले सीकेंट का फार्मूला देखो की है। सीकेंट स्केयर थीटा थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन। सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू ए टेन उधर जाके बन गया प्लस था वन प्लस टेन स्केयर थीटा। तो तुम पता सीकेंट स्केयर थीटा वन प्लस एक बन जाएगा वन ओवर कॉट स्केयर थीटा। क्यों? क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है कॉट का। टेन जगह क्या वन ओवर कॉट स्केयर। याद रखना स्टूडेंट्स पेपर में तुम्हें यह करना पड़ेगा, पेपर में साइड तक तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें फिर क्या जो भी तुम चैप्टर करना आराम ना रिलैक्स होकर पिछले फॉर्मूले याद करो पहले, उस तो बाद तुम जो फॉर्मूला लगा लगा सकते हो। बाकी प्रैक्टिस मैथ्स की प्रैक्टिस चाहिए, बार बार करो तो उस अपने आप ही याद रहने की ताकत नहीं है। जो मेरे को आ गया मैंने भी चाहिए सीकेंट सिर्फ तो सीकेंट के इक्वल आएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वन ओवर कॉट स्केयर थीटा। इसका मतलब जितने सीकेंट है वो जगह तो मैं लिख सकता हूँ वन प्लस वन ओवर कॉट स्केयर ए। तो जो तुम इतने एलसीएम लैके कॉट स्केयर का मल्टीप्लाई वन इधर करेगा की करांगे एलसीएम लिया कॉट स्केयर ए इधर आ गया वन इधर मल्टीप्लाई की थी, प्लस वन नीचे आपस में मल्टीप्लाई किया गया कॉट स्केयर ए। इस तरीके भी कर सकते हो। इसका मतलब यह कि फॉर्म चल गया सिर्फ कॉट की फॉर्म और तो कुछ देख रहे हैं है कॉट की फॉर्म च आ गया। एक लास्ट सिंपल रह गया टैन, तो टैन सब तो सौखा है टैन ए इज इक्वल टू वन ओवर कॉट ए। सब तो इजी क्यों क्योंकि टैन के ना रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो वन ओवर कॉट आ गया मतलब टैन भी आप कि फॉर्म लिखता कॉट की फॉर्म। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान अनुसार देख लो, मैं फिर कह रहा कि जो मैं पिछले फॉर्मूले किए पहले उन्होंने याद करो लिख के देखो उस तो फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट हम लिखो कि लिखे थे राइट डाउन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट ए। कहना मतलब सीकेंट ए को छोड़ के बाकी सारे जितने भी रेशियोज है दैट इज नंबर वन में लिखांगा साइन ए, फिर कहना आएगा कॉस ए, टेन ए, कोसीकेंट ए, ते कॉट ए। ते मैं हूँ सीकेंट ए नहीं लिखा क्यों क्योंकि इन्हों को तुम सीकेंट की फॉर्म च लिखना लिखना सीकेंट की फॉर्म च। पर मैं इतना देखो स्टार्ट कितों करा मैं हूँ तुम्हें दिसा ही सिर्फ कि बाकी जो रह गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर मैं स्टार्ट कितों करा मैं स्टार्ट करा सीकेंट के ही फॉर्मूले को। ध्यान देखो फर्स्ट सीकेंट स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए इज इक्वल टू वन। इसका मतलब मैं टेन चाहिए ना क्योंकि सीकेंट की फॉर्म लिखना टेन उधर जाएगा टेन स्केयर ए कला रह गया उधर जाके पॉजिटिव हो गया तो यह वन इधर आके हो गया माइनस सीकेंट स्केयर ए माइनस वन। नेक्स्ट है यह स्केयर उधर जाके बनेगा स्केयर अंडर रूट बन जाएगा टेन ए इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर ए माइनस वन अंडर द रूट। हूँ देखो मैं टेन ए कट लिया इसका मतलब फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड कॉट ए किदा उल्ट होंदा टेन का वन ओवर टेन ए तो कितना आएगा वन ओवर
secant square a minus 1 under the root. देख लो, coordinate निकल गया, अलग ही है. Next one is cos. और मैं cos पता कर लूँगा, इधर भी reason है, because cos is the reciprocal of secant. जब तो मैं secant लेना, secant की है 1 over cos. देख cos की है क्या 1 over secant? क्योंकि दोनों एक दूसरे उल्टा है. लेकिन आ गया 1 over secant. तो उसी पिछले से वो आज cot की तरह का अपन लिखे ना, tan is equal to 1 over cot. उधर ही cos a is equal to 1 over secant आ गया. हम देखो next मेरे को एक रह गया sin theta एक cosecant. हम देखो देना sin a के लिए इक्वल होता है. जितना तुम पता है तो ऐसे फॉर्मूला लिख लेता हूँ. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. ते sin theta के लिए इक्वल आ जाएगा. sin theta is equal to 1 minus cos square theta under root चाह गया. इधर मतलब मेरे को की बढ़ गया sin theta 1 minus cos square theta means cos a. तो हम तो पता है cos a कितना है 1 over secant. इधर मतलब ऐसे की आ जाएगा 1 minus 1 over secant. इधर स्क्वायर है ना, तो इधर आएगा 1 over secant square a. ते जे तुम एलसीएम लेना चाहते हो, मर्जी है. एलसीएम ले आके मेरे को जेड़ा आंसर आएगा तो तुसी कॉपी दे नोट करना. एलसीएम फिर दो सीक्वेंस के अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1 ओवर दोनों सीक्वेंस के लिए आ जाएगा. ए मेरे को सिंपल आंसर आ गया साइन ए दा. ते साइन ए दा मेरे को कढ़ना पया, ओ ध्यान ना दे दे क्योंकि मैंने कॉस काट चुके हैं, सिर्फ कॉस दी वैल्यू फिल की थी. लास्ट रह गया cosecant, that is fifth one. cosecant a, cosecant a के ना उल्टा, that is reciprocal of sine a. sine a, 1 over sine a. sine के ना बेटा तो सीन, this one. इधर मतलब उल्टा देगा, क्योंकि 1 over sine है, sine a सीधा है ना यार, तो उल्टी किना आएगा देखो देना ना. किना जगह था देखो. secant square a minus 1 over secant square a नीचे आ गया under the root. जब मैंने पलटाया तो अपने आप ही secant square a ऊपर आ गया, secant square a minus 1 नीचे आ गया under the root. बाकी तो मर्जी है, जे square ना कटोगे तो क्या आ जाएगा, square ना under root कटे हैं secant a आगे कर लाते, नीचे की ना गया secant square a minus 1. हम क्या ना देखो, सब तो पहले secant square a minus tan square a तो ही मैं शुरू की था, same formula, tan निकल गया, जो तो tan निकले tan the old की the cot, cot निकल गया, cos the old की है secant, simple, cos ही निकल गया. जदों मैं cos दा कर लिया तो मेरे को फार्मूला सीधा sin square theta plus cos sin निकल गया. जदों sin निकल गया sin दा उल्ट की हुंदा cosecant, cosecant निकल गया. हाँ स्टूडेंट्स, मैं फिर दोबारा एक चीज रिपीट कर देना, जिन्ने भी सवाल करने हैं काम माइंड होके बिल्कुल शांत होके पहले फार्मूले पहले याद करो, सिंपल देखो. हुण इच कोई sin 30 sin 0 sin 90 वो नहीं हैगे, तुसी सिर्फ ते सिर्फ फार्मूले याद करने पहले tan is equal to sin over cos, cot पता कर लो, cosecant ते secant पता कर लो फिर इक्वल है. उस तो बाद तीन फॉर्मूले से sin square theta plus cos square theta, secant square theta minus tan square theta ते cosecant square theta minus cot square theta. जो तुम ये कर लोगे तनु ये ट्रिग्नोमेट्री दी जेडी थर्ड एक्सरसाइज है 8.3 है, लास्ट चल रही है, बिल्कुल इजी लगेगी. इधर नाल दी मैं 8.1 ते 8.2 एक्सरसाइज जेडी है मैं कर चुके हैं, ओदे सवाल दस चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. अपने जिन्ने भी सवाल हो रिपीट करने हैं, इसी तरीके ने कर लो, बाकी सवाल मैं उस तो बात करवाऊंगा जेडे रहंदे है जे उना च की प्रूव करना, उच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, उस सवाल लगभग एक या दो सम सीबीएसई ते पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड च पक्का आंदा 4
4 मार्क्स का, वो भी करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।